स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। लेटेस्ट अपडेट एंड जॉब्स अपडेट आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो कि टीचर्स की वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पीछे वीडियो में जो है सर ने बताया था कि पीजीटी और यहां पर अकाउंटेंट और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और प्रिंसिपल के यहां पर फॉर्म लग रहे हैं। यहीं इकलौवा मॉडल रेजिडेंट स्कूल जो है और वैकेंसी निकाली गई थी इन्होंने कि टीजीटी के लिए निकाली गई है इन्होंने, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है हम सब इसमें बताएंगे। और हॉस्टल वार्डन की, टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की जो है यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है। इसकी भी लास्ट डेट जो है वो रहेगी 18 को, यानी कि 2 डेज लेफ्ट रह गए हैं। आपको किसी में भी अप्लाई करना है, पीजीटी, टीजीटी, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, वो सब आपको पिछली वीडियो में आपको क्वालिफिकेशन बताई गई थी। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि इसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपको दी गई है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और टोटल भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें 6,329 टोटल वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो कि टीजीटी में अप्लाई करना चाहता है 5,660 है, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 है, और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए अगर कोई कैंडिडेट फीमेल अप्लाई करती है तो 334 उसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी आपको कैटेगरी वाइज आपको यहां पर टीजीटी का भी देख सकते हैं, और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो हॉस्टल वार्डन के लिए है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के लिए भी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल सकती है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं कि टीजीटी के लिए जो सैलरी पैकेज रहने वाला है वो आप यहां पर देख सकते हैं। और अदर टीजीटी के लिए कोई अप्लाई करता है, जैसे म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी, मेल पीईटी फीमेल के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी पे मैट्रिक ये रहने वाली है। हॉस्टल वार्डन की जो है वो पे मैट्रिक आपको ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। एग्ज़ाम किस तरह से होगा, ओएमआर बेस्ड शीट आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको बता दिया जाए इसमें एग्ज़ाम देखो यहाँ पर 120 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी 30 मार्क्स का आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। ये आपको यहां पर सिलेबस मिलता है, सिलेबस भी इसको चेक कर लीजिएगा। अलग अलग हॉस्टल वार्डन का अलग है और टीजीटी का यहां पर अलग दिया गया है, ठीक है। सिलेबस भी आपको यहां पर हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि टीजीटी में हमें अप्लाई करना है उसकी क्वालिफिकेशन मेन क्या है। आपको बता दें यहाँ पर आपको सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी मैथ, इंग्लिश, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं टीजीटी म्यूज़िक के लिए अप्लाई करता है तो उसकी भी मेन क्वालिफिकेशन जो है जिसने ग्रेजुएशन में म्यूज़िक सब्जेक्ट था वही अप्लाई कर सकता है टीजीटी म्यूज़िक के लिए। आर्ट्स के लिए अगर कहें तो आर्ट्स में आपको आर्ट्स आपकी होनी चाहिए, या फिर आप अगर आपने बीएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए भी जो है आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन होनी चाहिए, आपने अगर बीएड की हुई है, सॉरी बैचलर डिग्री की है आपने, अगर आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट था तो आप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा अलग अलग दिया। अब हॉस्टल वार्डन की बात की जाए तो सिंपल ग्रेजुएशन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 18 को है। किस तरह से अप्लाई करना है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8082874110 पर, व्हाट्सएप कीजिएगा, फॉर्म आपका यहाँ पर जो है फिलअप करके दे देंगे। और कोई आपकी डाउट क्यूरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप पे जो है अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, या फिर हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।